हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको एलओजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इस चैप्टर के दो स्टैंजा करवा दिए हैं। आज मैं आपके लिए तीसरा स्टैंजा लेकर आया हूं। चलिए पहले स्टैंजा रीड करते हैं, फिर उसका रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन। चलिए, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय कॉमा द पॉम्प ऑफ पावर। ठीक है, यानी कि जो लोग अपनी अमीरी की डींगे मारते हैं, बोस्ट मीन्स डींगे मारना, हेरल्ड राय मीन्स अमीरी की शोहरत की, जो लोग अमीरी की शोहरत की अपनी डींगे मारते हैं, द पॉम्प ऑफ पावर, अपनी शक्ति या जो भी ताकत है उनके पास, उसकी धूमधाम दिखाते हैं, उसकी धूमधाम दिखाते हैं। एंड और ऑल दैट ब्यूटी, और यह सब सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और जो भी इनके पास ये धन इनको मिला है, अवेट्स अलाइक The inevitable hour, ठीक है, इनका जो है मौत अपने समय पर इंतजार कर रही है। The paths of glory, जो वैभव का रास्ता है, lead but to the grave, यह ग्रेव यानी कि कब्र तक ही जाता है, उससे आगे नहीं। ठीक है, यानी कि इस स्टैंजा में पोएट बताना चाह रहा है कि जो अमीर हो चाहे गरीब हो, मृत्यु सबको ही आनी है और सब मिट्टी में ही मिल जाने हैं। ठीक है, रेफरेंस पढ़ते हैं। दिस स्टैंजा, यह स्टैंजा हैज बीन पोएटेड हियर फ्रॉम द ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर पोएम। यह जो स्टैंजा है वो कोटेड उतारा गया है, लिया गया है फ्रॉम ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पोएम, एलोजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, कंपोज बाई द ग्रेट पोएट ऑफ द एज ट्रांजिशन। ये कंपोज की गई है एक महान पोएट के द्वारा, जिनका नाम है थॉमस ग्रे। इन दिस एलोजी, इस एलोजी में ग्रे हैज मॉर्न्ड, यानी कि मॉर्न्ड द अनहैप्पी लॉट ऑफ द पुअर। ठीक है, ग्रे ने जो है, थॉमस ग्रे जो कवि है, इसने शोक व्यक्त किया है, मॉर्न्ड मीन्स शोक व्यक्त करना, द अनहैप्पी जो खुश है, जो खुश नहीं है, दुखी है, लॉट ऑफ द पुअर, बहुत सारे गरीब लोग, हू लाई डेड, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो मर जाते हैं इन देयर ग्रेव, और जो उनकी कब्र बनी हुई है इन द विलेज चर्चयार्ड, गांव के शमशान में। ठीक है, नो बिग और ब्यूटीफुल, ना ही कोई बड़ा और ना ही बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट में स्मारक हैव बीन बिल्ट ऑन देयर ग्रेव, ना ही कोई बड़ा ना ही कोई सुंदर स्मारक उनकी कब्र पर बना हुआ है, बिकॉज क्योंकि दे वर पुअर, वे गरीब थे, एंड इनसिग्निफिकेंट, और कैसे थे, नीच जाति के थे, यानी कि तुच्छ थे, तुच्छ समझते थे उनको। ग्रेट मोनूमेंट, यानी कि जो बड़े स्मारक हैं, महान स्मारक हैं, आर बिल्ट ओनली फॉर ग्रेट पीपल, यह किसके लिए बनाए गए, केवल जो बड़े लोग थे, महान लोग थे, उन्हीं के लिए बनाए गए। टेकिंग पिटी,
ऑन द कॉमन लॉट ऑफ दीज विलेजर्स, पिटी मीन्स दया, यानी कि इन पर एक साधारण सी, असाधारण सी गांव वालों पर बहुत थोड़ी सी दया आती है। किसको? पोएट को आती है, ठीक है। द पोएट आस्क आस्क द ग्रेट एंड हाईली प्लेस्ड पीपल, जो पोएट है वो पूछता है बहुत ही ज्यादा बड़े और हाईली प्लेस्ड बड़े स्थानों पर रहने वाले लोगों से, नॉट टू लाफ, नहीं हंसना चाहिए, एट द सिंपल एंड पुअर लाइफ, एक साधारण और गरीब की जिंदगी पर, ऑफ दी रस्टिक्स, क्या ऑफ दी रस्टिक्स, इनकी देहातीपन के कारण, इनका देहात का होने के कारण इन पर नहीं हंसना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये आपका कंटेक्स्ट और रेफरेंस हुआ, ठीक है। द पोएट कॉशंस द रिच पीपल, जो पोएट है वो चेतावनी देता है रिच पीपल बड़े लोगों को, अमीर लोगों को, अगेंस्ट देयर प्राइड, उनके गर्व के खिलाफ, जो उनको अपने आप पर गर्व है, ऑन देयर रिचेज एंड पोजिशन, जहाँ पर जिस स्थिति में वो हैं, जिस मुकाम पर वो हैं और उनकी अमीरी पर। ही रिमार्क्स दैट, वह यह बताना चाहता है कि द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक रिचेस, अमीरी, पावर, ताकत, ब्यूटी, सुंदरता एंड वेल्थ, धन, आर ऑल ट्रांजिटरी, आर ट्रांजिटरी, यानी कि ये सब क्या है, क्षण भंगुर है, क्षण भर के लिए है, काल्पनिक है, ये अल्टीमेटली ग्लोरियस लाइफ टू लीव, हमें वैभवपूर्ण जीवन जीना चाहिए, और या फिर वी मे बी एंजॉयिंग फेम एंड ग्लोरी, या फिर हमें एंजॉयिंग फेम, अपनी प्रसिद्धि का आनंद लेना चाहिए और वैभव का आनंद लेना चाहिए इन आवर लाइफ। पोएट ये कह रहा है कि या तो हमें कैसे जीना चाहिए, हमें वैभवपूर्ण जिंदगी जीनी चाहिए, या फिर हमें प्रसिद्धि और जो वैभव है हमारे पास, अमीरी है, उसका आनंद लेना चाहिए हमारे जीवन में। बट ऑल दिस ग्लोरी कैन नॉट मेक अस इमोर्टल, लेकिन ये जितना भी शान वैभव है, जितनी भी शान या फिर ये वैभव है, ये हमें इमोर्टल नहीं बना सकता, यानी कि अमर नहीं बना सकता। इट फाइनली लीड्स अस टुवर्ड्स आवर ग्रेव, यह हमें ले जाता है अंत में टुवर्ड्स आवर ग्रेव, हमारी कब्र की ओर। दैट इज, यही है, वी हैव टू डाई, हमें मरना ही है, वेदर चाहे वी आर रिच, चाहे हम अमीर हों और पुअर, चाहे गरीब हों, स्ट्रांग चाहे मजबूत हों और चाहे वीक हो, कमजोर हो, ठीक है। कमेंट करते हैं, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट है डिस्करेज्ड द रिच एंड द स्ट्रॉन्ग प्राउड पीपल ऑफ द सिटी। पोएट ने डिस्करेज किया है, दुस्साहस किया है, या फिर उनको नीचा दिखाया है, किसको? द रिच एंड स्ट्रॉन्ग प्राउड पीपल, जो अमीर लोग हैं, जो अपने गर्व, अपने आप पर क्या करते हैं, अपनी अमीरी के ऊपर गर्व करते हैं शहर में। दैट, वह, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, यह अनफॉर्चुनेट है कि दे लाफ एट पुअर विलेजर्स, कि वो, यह सही नहीं है, यह उचित नहीं है कि वह पुअर विलेजर्स पर हंसे, ठीक है। डेथ इज द ग्रेटेस्ट लेवलिंग पावर,
मृत्यु जो है वो सभी की शक्ति को समान कर देती है, सभी को एक ही लेवल में आती है। मृत्यु आपको भी आनी है, मृत्यु हमें भी आनी है, सब लोगों को आनी है। एंड वन डे, और एक दिन, एवरी डे, हर कोई हैज टू गो टू हिज ग्रेव, हर किसी को उसकी कब्र में जाना ही है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारी वीडियो वॉच करने के लिए। मैंने आपको ये तीसरा स्टैंजा करवा दिया है, बाकी के जो अभी स्टैंजा बचे हुए हैं वो भी मैं आपको जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें जो ये पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, थैंक यू।